सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, एम्स की निर्माणाधीन बिल्डिंग का किया निरीक्षण। यूपी में शुरू हुई दल बदल की सियासत, करीब 21 नेता सपा में हुए शामिल। गंगा में मिली नवजात बच्चे की देखभाल करेगी यूपी सरकार। यूपी में टीईटी की वैधता आजीवन करने के प्रस्ताव को मिली हरी झंडी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर यूनिसेफ की ओर से रैंकिंग हुई जारी। 27 से 29 जून तक उत्तराखंड, बीजेपी की चिंतन बैठक। सीएम तीरथ सिंह रावत 3 दिवसीय दिल्ली से उत्तराखंड लौटे। चार धाम यात्रा पर 22 जून तक नैनीताल हाईकोर्ट ने लगाई रोक। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने राहुल और अवैसी के खिलाफ थाने में दी तहरीर। लखनऊ में दिन दहाड़े सराफा कारोबारी की हत्या, बाइक सवार दो बदमाशों ने अंजाम दी वारदात। रामनगर में राज्यसभा सांसद अनिल बालूनी ने धनगढ़ी पुल निर्माण का किया निरीक्षण। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने फर्जी वीडियो के मामले में विपक्ष और ट्विटर पर जमकर हमला बोला। महोबा के फरार चल रहे पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार की मुश्किलें बढ़ी, पुलिस ने संपत्ति जब्त करने का किया फैसला। मथुरा के निजी अस्पताल में किशोरी से छेड़खानी का मामला सामने आया, पुलिस कर रही है मामले की जांच। वाराणसी में पीएनबी के मैनेजर की हत्या के आरोप में पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 5 को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में धर्म परिवर्तन और रेप का आरोपी गिरफ्तार, नाम बदलकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। मुजफ्फरनगर में दो पक्षों में चले लाठी डंडे, छज्जा बनाने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बुजुर्ग महिला ने की आत्महत्या, 16वीं मंजिल से बुजुर्ग महिला ने कूद कर दी जान। कानपुर में शख्स ने पुलिस पर लगाया बेरहमी से मारपीट का आरोप, बेटा कहने पर भड़के पुलिसकर्मी ने बुजुर्ग को पीटा। फिरोजाबाद के टुंडला में एसडीएम ने चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान का बीजेपी विधायक ने किया। लखनऊ के अस्पतालों के ब्लड बैंक में ब्लड की हो रही है भारी कमी, केजीएमयू में करीब 82 यूनिट की उपलब्ध। अराजगंज में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंडक समेत 3 नदियां। देवरिया में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद सड़कें तालाब नहीं तब्दील। अम्बेडकर नगर में बारिश में भीगा किसानों का गेहूं। बाराबंकी में बच्चों के खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आया, वीडियो में बच्चे पुल पर खड़े होकर नदी में लगा रहे छलांग। मुजफ्फरनगर पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल, दिव्यांग की पीड़ा को सुनने के लिए उप निरीक्षक दीपक चौधरी जमीन पर बैठे। अनलॉक होने से प्रयागराज में संगम की रौनक लौटी, संगम का रुख करने लगे हैं श्रद्धालु। चाचा की बगावत के बाद पहली बार बोले चिराग पासवान, कहा एलजेपी ने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आईटी नियमों पर सोशल मीडिया कंपनियों को रविशंकर प्रसाद की चेतावनी, कहा बार बार हिदायत के बाद भी नहीं हुआ नियमों का पालन। जिनेवा में पहली बार मिले दुनिया के दो महाशक्ति, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने गर्मजोशी से किया एक दूसरे का स्वागत।